नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आज नवरात्रि व्रतों के लिए एक नमकीन शेयर कर रही हूँ, जिसे हम आलू के लच्छों से, मूंगफली के दानों से, साबूदाना, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह सबका मिक्सचर नमकीन शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसे आप फर्स्ट डे ही बना के रख दीजिए और पूरे 9 दिन यूज करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 2 आलुओं को लेकर मैंने कद्दूकस कर लिया है। इस तरह से पतले पतले से लच्छे बन गए हैं और इसे 2-3 बार मैंने अच्छे से धुल लिया है। इसमें जो भी स्टार्च था वो निकल गया है। 1 कटोरी मूंगफली का दाना लिया है, काजू बादाम लिए हैं थोड़े से, और नारियल के जो पतली पतली पीस है जिस तरह से थोड़े से निकाल लिए हैं, और साबूदाना लिया है तलने वाला जो कि फूल जाता है, और थोड़े से मखाने लिए हैं, और नमक हम स्वादानुसार ले लेंगे, और 5-6 लाल मिर्च ले लिए हैं। अब हम गैस जला लेते हैं, कढ़ाई हमने चढ़ा ही दिया है। इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच मूंगफली का तेल डाल देते हैं, और आप चाहें तो इसमें शुद्ध देसी घी भी डाल सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, हमने इसमें 4-5 लाल मिर्च डाल दिए हैं, जिससे इसका बहुत अच्छा जायका आता है। अब हम आलू के लच्छों को इस तरह से फैलाकर तेल में डाल देते हैं और इसे हम फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इस तरह से हम चलाते रहेंगे और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा ब्राउन सा, तब हम इसे निकालेंगे। देखिए, लच्छों का रंग चेंज हो गया है, ब्राउन से हो गए हैं, बहुत क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। लच्छों के जो पार्टिकल्स हैं उसे भी निकाल कर तेल साफ कर ले रहे हैं, और अब हम किचन टॉवल पेपर पर इन लच्छों को फैला देंगे ताकि इसका तेल अच्छे से सोख ले। और इसी तरह हम बाकी के भी लच्छों को डाल देते हैं और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। आप चाहें तो थोड़ा हल्का ब्राउन भी रह सकते हैं, हल्के ब्राउन में भी क्रिस्पी होता है, पर मुझे डार्क ब्राउन ही पसंद है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ब्राउन किया है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम तेल में साबूदाना डाल देते हैं और गैस की फ्लेम हम बिल्कुल धीमी रखेंगे, क्योंकि हमें कम तेल गर्म होने की ज़रूरत है। यदि तेल कम गर्म रहेगा तो साबूदाने अच्छे से फूल जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। यदि गैस तेज होती है तो तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है और साबूदाना कम फूलता है और जल्दी से ब्राउन हो जाता है, अंदर तक सिक नहीं पाता है। इसलिए हमें गैस की फ्लेम धीमी ही रखना चाहिए जब हमें साबूदाना तलना हो। इस तरह साबूदाने सारे फूल गए हैं, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। देखिए, सारे साबूदाना चट चट करके फूल गए हैं। अब इसे भी हम किचन टॉवल पेपर पर निकाल ले रहे हैं। अब सारे साबूदाने हमने तेल में से निकाल लिए हैं और अब हम इसी तेल में मूंगफली का दाना भी फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली के दाने को भी हम इस तरह से चला चला कर ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए, मूंगफली के दाने ब्राउन हो चुके हैं, उसका रंग चेंज हो चुका है, मूंगफली पक चुकी है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। सारी चीज़ों को हम किचन टॉवल पेपर में ही निकालेंगे, इससे तेल थोड़ा सा सोख लेता है तो नमकीन हमारी थोड़ी सी तेली कम रहेगी, अच्छी बनेगी। अब सेम तेल में हमने नारियल भी डाल दिए हैं। नारियल को हमने पतले पतले ऐसे छिलके कर लिए हैं, देखिए इस तरह से, बस हल्का हल्का सा हमें तलना है। सेम तेल में हमने काजू और बादाम भी डाल दिए हैं, इसे भी हल्का सा फ्राई कर लिए हमने, और इसे भी निकाल देते हैं। इस तरह सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं।
और मखानों को हमने तेल कढ़ाई में से निकाल दिया है, तब फ्राई कर रहे हैं। इसको हमें भूनना है, इसे ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करना है, इसलिए हल्की चिकनाई कढ़ाई में है, इसी से हम इसको भून लेते हैं। धीमी गैस पर इसे थोड़ी देर तक हम भूनेंगे, लगभग 3 से 4 मिनट तक, तो ये ब्राउन हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। देखिए हो चुका है और बहुत क्रिस्पी हो गया है। हमने लगभग 3 मिनट से धीमी गैस पर भूना है। अब इसे भी हम निकाल लिए हैं, सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। आलू के लच्छों को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें फ्राइड लाल मिर्च भी डाल देते हैं। आप चाहें तो इसे चूरा करके भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगते हैं तले हुए लाल मिर्च। और नमक भी हम स्वादानुसार डाल देंगे। सेंधा नमक हमने इसमें यूज किया है, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से बहुत टेस्टी नमकीन बनती है ये। इसे आप एक दिन बनाइए, पूरे 9 रात्रि के 9 दिन में खाइए, चाय के साथ यूज करिए। और यदि रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपना अनुभव मेरे साथ मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करिए, और लाइक का बटन क्लिक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।